Hi guys, good morning everyone. Welcome to an academy. My name is Shivangi Gautam and in this class we will be discussing about the important government schemes. आज का हमारा फोकस होगा जिस मिनिस्ट्री पे, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम मीटी भी बोलते हैं. सो MEITY जो मीटी मिनिस्ट्री है, इसमें कौन से मेजर सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल कौन से स्कीम्स आए हैं, आज पे फोकस करने वाले हैं. सिंस देयर वर अ लॉट ऑफ स्कीम्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसको हम दो से तीन पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं. So before I begin today's session, just a very, very, very quick reminder about the Unacademy special classes that we will be having. आज हमारा special class होगा. ये जो special class रहता है, हम initiative लेकर आए हैं. यहाँ पे हम लोग free live classes provide करते हैं. साथ ही साथ में इन free live classes के साथ साथ there is a discussion forum जहाँ पे आप अपने doubts पूछ सकते हैं. आप लोगों को polls का option मिलता है, wherein you get to know how we are performing, आप किस rank पे किस level पे perform कर रहे हैं. और आज का जो हमारा discussion topic होगा, that will be a mini mock test on art and culture. ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला क्लास है, हमारा 8 PM पे होगा अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल आज की डेट पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस रिलीजन्स इन इंडिया. द क्लास विल बी एट 9:15 PM फॉर ऑल द पीपल हु स्टिल हैवंट डाउनलोडेड द अनअकैडमी ऐप. नीचे कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. अनअकैडमी का आप डाउनलोड कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ द स्पेशल क्लासेस, यूज द कोड शिवजी लाइव फॉर फ्री एनरोलमेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ द स्पेशल क्लासेस. सो कमिंग टू द पार्ट ऑफ द मेजर स्कीम व्हिच हैव बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वी हैव द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. पहला जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसका मेजर एम है किस तरीके से हिंदुस्तान को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में, एक नॉलेज इकोनॉमी में, जहाँ पे तीन की एरियाज हैं. पहला, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी फॉर एवरी सिटीजन, समथिंग व्हिच इज अ प्रोमिनेंस फॉर एवरी सिटीजन, जहाँ पे हम किस तरीके से अलग अलग गवर्नेंस और सर्विसेज ऑन डिमांड सिटीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटली सिटीजन को एम्पावर कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स ई गवर्नेंस, हमारे जो ब्रॉडबैंड हाईवेज है वो यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगा, मोबाइल कनेक्टिविटी का, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, जहाँ पे हम गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी के थ्रू रिफॉर्म करना चाहते हैं, ई क्रांति हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आईटी जॉब्स हो गया, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम हो गया. इन सिंपल टर्म्स हम किस तरीके से फार्मर्स की मदद कर सकते हैं, फार्मर्स कैन बी हेल्प, फार्मर्स कैन बी टोल्ड अबाउट वेरियस क्रॉप्स एंड एवरीथिंग, उन सारी चीजों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं. मेजर पार्ट जितने भी हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में, किस तरीके से अलग अलग स्टेक होल्डर्स की हम मदद कर पाएंगे, अलग अलग जो पब्लिक हम लोगों के जो सिविलियंस हैं उनके लिए कौन से एरियाज के तहत हम वर्क कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे, दैट थ्रू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज आर एट टच. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रेफर करा जाएगा, जहाँ पे भी फीजिबल होगा किसी भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए. एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे. डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप होगा व्हिच विल बी चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड आईटी. और एक एपेक्स कमेटी होगी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स का ग्रुप बनाया जाएगा जो कि 10 ई मिनिस्ट्री से आएंगे, जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हर अलग अलग मिनिस्ट्री के होंगे. सो दीज विल बी फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज फॉर वन सिंपल रीजन, ताकि इन मिनिस्ट्रीज के साथ हम कोऑर्डिनेट कर पाए और ये मिनिस्ट्रीज के साथ साथ इंश्योर कर पाए कि जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया का, दैट इज इन सिंक. एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर हम कैसे इंडिया को एक डेवलप कर सकते हैं, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं सारे पॉलिसी प्रोग्राम्स का. कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे डिजिटल इंडिया के तहत, जहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स होंगे, जहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स अमंग द पुअर मार्जिनलाइज्ड दलित विमेन ऑफ इंडिया, उनको हम फोकस करेंगे और इंश्योर करेंगे हम इन सारे विमेन पे किस तरीके से फोकस कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन किसी को, ऐसा कोई भी पार्ट है जो किसी भी स्कीम का नहीं समझ आ रहा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट मोर स्कीम्स डू यू वांट फ्रॉम माय साइड अपार्ट फ्रॉम द दीस
scheme, please let me know. And it's a concept short series that you are trying to run through. I'll definitely look into the same. Moving ahead to the next scheme, we have the Jeevan Pramaan scheme. जहाँ पे हम facilitate करेंगे किस reason की वजह से Jeevan Pramaan scheme को लेकर आए. We want to facilitate an online submission of life certificate by the pensioner and streamline कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट आराम से मिल जाए. एक आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होगा अलग अलग पेंशनर्स के लिए. डीएलसी को हम ऑप्टेन कर सकते हैं लेडीज जीवन प्रमाण सेंटर्स के तहत, जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं बाय द सीएससीज, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड इवन द क्लाइंट एप्लीकेशन ऑन द पीसी, मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा. इंटेंडेड किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा पेंशनर को, अभी तक जैसे अभी जो पेंशनर एक फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं नवम्बर में हर साल, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा. तभी उनके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी होगी, तभी उनके अकाउंट में कंटिन्यूटी ऑफ पेंशन इंश्योर्ड. इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम खत्म करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ सिस्टम. उसकी जगह हम चाहते हैं कि किस तरीके से सिंपल पोर्टल की तरह हम सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है एक ही जगह कर दें. So that using that particular portal, the pension is continued. Or bar bar a person does not have to tell about his credibility that I am the pension owner or the account holder of that particular account. Okay. Then comes the National Supercomputing Mission, जहाँ पे aim है इंडिया को एक हम one of the leaders बनाना चाहते हैं supercomputing में, जहाँ पे grand challenge problems national और international relevance के कैसे हम solve कर सकते हैं. 2015 में इसको लॉन्च किया गया था. 7 साल के लिए फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि इंप्लीमेंट किया गया है बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे एंड आईआईएससी बैंगलोर. यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हम कम से कम 70 नेशनल रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क को फ्रेम कर सकते हैं. किस तरीके से इस एनपीएन सिस्टम के तहत हम फोकस करेंगे बेटर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाए, इन्वेस्ट करें ह्यूमन कैपिटल में. जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेशन की, हम फोकस करना चाहते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, जहाँ पे जैसे वी वुड बी हैविंग climate change से रिलेटेड जो भी हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट उसको कैसे लीड कर सकते हैं, हम AI को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम वेदर पैटर्न्स में कैसे चेंजेस को देख सकते हैं, हम किसी भी अगर हम बात करें सॉइल टाइप हो गया, जितना भी ज्योग्राफिकल चेंजेस है, इंक्लिनेशन है, उसमें इसका कहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सॉइल टाइप में लेके फार्मर्स के लिए मदद के लिए कैसे इन सबको यूज कर सकते हैं. अब इसका जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसका फर्स्ट फेज जो था, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को इंडिया में पहले इम्पोर्ट किया जाता था बाहर से, सिर्फ असेंबली हम यहाँ पे करते थे. तो इंडिया में इनिशियली 3 सुपर कंप्यूटर्स को असेंबल किया गया, परम शिवाय 19, परम शक्ति एंड परम ब्रह्म. सेकंड फेज में हमने बोला कि हम स्पीड सुपर कंप्यूटर नेटवर्क इंडिया में इंक्रीज कर देंगे 16 पेटाफ्लॉप तक. एक पेटाफ्लॉप जो होता है दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, व्हिच इज द बेंचमार्क मेजरमेंट फॉर रेटिंग द स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. थर्ड फेज में हम इंश्योर करेंगे कि कंट्री का जो सुपर कंप्यूटर नेटवर्क है, हम 45 पेटाफ्लॉप तक इसको लेकर जाए. साथ ही साथ में जो 75 इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चर्स विल हैव एक्सेस टू सुपर कंप्यूटर्स यूजिंग एनटीएल. बट यहाँ पे ना, दिस विल बी लाइक अ सिंगुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पे अलग अलग रिसर्च, अलग अलग प्रोजेक्ट, सब कुछ एक साथ अपडेटेड होगा. एंड इस सिंगुलर सिस्टम पे हम लोग जितने भी रिसर्चर्स हैं, दे कैन एक्सेस, दे हैव अ क्लियरर एक्सेस टू ऑल द सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अपने थीसिस पे. रिसर्च पे अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, दे कैन डू सो. So guys, this was the whole set I had from my end for the Ministry of Electronics and Information Technology. Say related kuch to central sector or central sponsored schemes aaye hain. Before I wind up, just a quick reminder about Unacademy Combat, which will take place this Sunday, that is the 22nd of August. Just use the code Shifty Life for the same. 11 से 12 बजे ये कॉम्बैट होगा. 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है फॉर टॉप 500 रैंकर्स. यहाँ पे जितने भी टॉप 500 रैंकर्स हैं, अलग अलग लेवल पे वर्क करेंगे. करंट अफेयर्स आपको यूज करने हैं, जो कि कॉम्बैट में भी अवेलेबल है. 56 क्वेश्चंस आएंगे 60 मिनट्स में. जस्ट यूज द कोड शिफ्टी लाइफ फॉर फ्री एनरोलमेंट. वी विल हैव अनदर क्लास एट 8 PM, जहाँ पे हम आज के लिए चैनल पे आर्ट एंड कल्चर में रिलीजन ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ में 2 स्पेशल क्लासेस होंगे आज. एक होगा 6 बजे, जहाँ पे 6 PM क्लास वी विल डिस्कस MCQs, जो कि करंट अफेयर MCQs होने वाले हैं, ठीक है. एंड द 9:15 क्लास ऑन द आर्टिकुलेट ऑन द स्पेशल क्लासेस, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्ट एंड कल्चर MCQs. सी यू एट द अदर क्लासेस गाइस. हैव वंडरफुल डे अहेड. थैंक यू सो मच.